हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश। आप देख रहे हैं ऐसे टेक्नोलॉजी। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हम पाइथन का कोर्स शुरू किए हैं, जो 2018 अभी न्यू वर्जन जो आया है 3.7 के ज़रिए से। ये देखिए, यहाँ पे 3.7 है, ये एकदम ही लास्ट, एकदम ही न्यू है, अभी जस्ट ये आया है। तो हम पाइथन में कुछ पढ़ चुके हैं, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना, ऐसे कुछ प्रिंट करवाना। तो स्केप आज हम पढ़ने जा रहे हैं, स्केप जो हम स्केप का एक दो क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक रॉ बनने रॉ नाम का होता है, उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको पता होगा कि हम पाइथन में फाइल किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, फाइल से है ना, ये पाइथन का प्रोग्राम से। तो प्रोग्राम का फाइल का नाम बनाने के लिए आपको लिखना होता है टच, आपको शायद याद होगा। तो आज हम लिखते हैं रो डॉट फाइल। देखिए यहाँ पे बन गया। अब इसको हम यूज़ करेंगे, सीधे डायरेक्टली यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। आ गया, यहाँ पे हम बनाते हैं एक छोटा सा, ये बहुत ही आसान है। जैसे कि आप प्रिंट लिखें, अब यहाँ पे लिखिए कुछ भी, लिखिए लाइन नंबर 1। अब आपको लाइन नंबर 1 हो गया, सलेशन लगाइए लाइन नंबर 2। अब आपको कंट्रोल यस दबा के सेव करना है। इसको रन करके देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। रन करने के लिए आपको पाइथन लिखना होता है और उस फाइल का नाम लिखना होता है, ये आपको पता होगा। एंटर कर दीजिए, ये देखिए क्या हो गया। यहाँ पे लाइन जो है यहाँ पे आ गया और लाइन 2 जो है यहाँ पे आ गया। लेकिन अगर हम इसमें क्या करना चाहते हैं कि अगर आपको प्रिंट करवाना हो कुछ इस तरीके से, जैसे कि अगर हमें प्रिंट करवाना है, ये तो इस तरीके से आ गया। चलो इसके नीचे देख लेते हैं दूसरे लाइन पे। कुछ हमें हमें कुछ इस तरीके से प्रिंट करवाना हो, इसमें तो हद सही होता है। हमें कुछ इस तरीके से प्रिंट करवाना हो लाइन नंबर 1 एंड सेलेशन लाइन नंबर 2, कुछ इस तरीके से चाहिए हमें। हमें इस तरीके से इंटर वाला जो लाइन नेक्स्ट लाइन है ना, तो ये सेलेशन है, देखिए नेक्स्ट लाइन दे रहा है। तो हमें नेक्स्ट लाइन नहीं चाहिए, हमें कुछ इस तरीके से प्रिंट चाहिए कि एक ही लाइन में सारा आ जाए और ये भी प्रिंट हो जाए। तो अगर आपको स्लैश एन प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए आपको सेम ही कॉपी कर लेता हूँ। देखिए, अगर आपको ये भी प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इससे आगे, सबसे आगे जो एक कोड है ना, एक कोड कोड के यहाँ पे साइड पे आपको लिखना होता है आर। अगर आप आर लिख देंगे तो देखिए क्या हो जाता है कि जो ये स्लैश है ना, ये भी प्रिंट हो जाएगा, ये स्केप कर जाएगा इसको। कि इसका मतलब क्या होगा कि ये भी एक नॉर्मल टेस्ट की तरह काम करेगा यहाँ पे। चलिए कंट्रोल एस दबा के पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं इसको रन करता हूँ। शायद आपको पता होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो थर्ड वाला है, ये जो फर्स्ट दो है ना, ये तो ऊपर वाला, ये वाला आ गया, लेकिन ये जो है ना एक ही लाइन में, देखिए यहाँ पे एक ही लाइन में आ गया लाइन, दिस लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको स्लैश एन कहीं प्रिंट करवाना हो आपके प्रोग्राम में, आप बड़ा जब प्रोग्राम बनाएंगे, कहीं आपको प्रिंट करवाना अगर है, तो आप क्या यूज़ करना है, आर यूज़ करना है। अगर आपने आर यूज़ किया, इसका मतलब क्या है कि ये सिंपल था स्ट्रिंग बन गया, ये कोई स्क्रिप्शन नहीं है। आज का प्रोग्राम इतना ही था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टे टून, गुड बाय।